हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका फैंटासी डिसन चैलेंजर में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एमसीए टी20 सुपर सीरीज की बात करेंगे, जो कि मैच होने वाला है यहाँ से यूकेएम केपीटी वर्सेस नॉर्थर्न स्ट्राइकर्स के बीच में। तो चलिए दोनों ही टीम के प्लेयर पर एक बार नजर कर लेते हैं कि कौन से प्लेयर को हम लोग यहाँ से स्मॉल लीग में लेके जाएंगे, कौन से प्लेयर को हम लोग यहाँ से ग्रैंड लीग में पिक करेंगे, प्लस कौन सा प्लेयर हमारे लिए कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप के लिए बेस्ट वेस्ट रहेगा, उसके बारे में बात कर लेंगे। पिच रिपोर्ट देख लेते एक बार, लास्ट में हमारी फैंटासी टीम देख लेते हैं कि कौन से प्लेयर को हमें लेके जाना है, कौन से प्लेयर को हम लोग यहाँ से ड्रॉप कर सकते हैं, सारी डिटेल इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो बात करें इस मैच की, इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि YouTube चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आपको YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि ये पूरी टूर्नामेंट इसी YouTube चैनल पर कवर करेंगे। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर बड़ौदा वुमेंस T20 के वीडियोज मिल जाएंगे, साथ ही में मिल जाएंगे आपको यहाँ पर अरेबियन T20 के वीडियोज मिल जाएंगे, ECS T10 के वीडियो मिल जाएंगे। तो सारे अच्छे मैचेस के वीडियो आपको यहीं पर मिलने वाले हैं। तो YouTube चैनल को सबसे पहले आपको सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही में टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएगा, क्योंकि फाइनल अपडेट और फाइनल टीम आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और टेलीग्राम से जुड़ने लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक अटैच किया है। इनके लिंक वर्क ना करे तो टेलीग्राम में जाइए, सर्च करिए फैंटासी डिसन चैलेंजर, या फिर आप सर्च कर सकते हो @FDC27 और आपको सीधा हमारा चैनल मिल जाएगा। सिंपली आपको उसे ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि फाइनल अपडेट और फाइनल टीम आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाली है। बात करें इस मैच की, तो यह मैच सुबह में 7:30 पर बायोमस ओवल कुआलालंपुर मलेशिया में खेला जाएगा। पिच रिपोर्ट की बात करूं तो यहां पर न्यूट्रल और बैलेंस रहेगी, हालांकि कुछ उम्मीद थी स्कोर अच्छा बनने की और वो उम्मीद आज कल के दिन में हमको देखी गई 182 रन बने, क्योंकि पिछले टूर्नामेंट के अंदर कुछ स्कोर बने थे लेकिन यहाँ पर विकेट्स वगैरह ज़्यादा गिरी और अभी जितना एक्सेप्ट किया गया था इतने अच्छे रन नहीं बने। मैंने यहाँ पर 140-150 के प्लस पहले मेंशन किया था, लेकिन अभी मैं 130-140 रन के आसपास मेंशन कर रहा हूँ, क्योंकि विकेट्स अच्छी खासी गिरती है यहाँ पर। बात करें यहाँ पर चेजिंग रिकॉर्ड की, तो इक्वली आंकड़े, तो यहाँ पर मीन्स के वीक एंड स्ट्रॉन्ग टीम वाला मुकाबला रहेगा, जो कि यहाँ से जो स्ट्रॉन्ग रहेगी वो यहाँ पर जीत हासिल कर पाएगी। और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग की बात जब भी आती है तब यहाँ से नॉर्थर्न स्ट्राइकर के ऊपर मेरा ध्यान जाता है। सबसे पहले बात करते हैं ऐसे यूकेएम की। यूकेएम ने अभी तक 3 मैच खेली, जहाँ से एक ही मैच जीती है, 2 मैच हारी है और एक मैच मीन्स के अबैंडनमेंट कोई भी नहीं हुआ है। तो 3 में से 2 मैच हारी, एक ही मैच जीती है। ओपनिंग में कौन है, तो मोहम्मद हजीक ऐमान और यहाँ पर अजैब खान दोनों ओपनिंग करवा रहे हैं। इम्पोर्टेंस की बात करूँ तो दोनों इम्पोर्टेंस रहेंगे, क्योंकि हजीक ऐमान जो है आपको बैटिंग सेक्शन से दिखेंगे और अभी तक 3 मैच की बात करूँ तो 17, 18 और 24 रन किए हुए। और पिछले टूर्नामेंट के अंदर यानी कि रिसेंटली अभी जो T10 खत्म हो गया ना, वहाँ पर भी मैंने बताया था कि इनको ना T10 के अंदर जमता नहीं है और काफ़ी नीचे भी खेलते थे, लेकिन यहाँ पर ये ओपनिंग करवा रहे हैं और ओवरऑल T20 के अंदर उनके आंकड़े काफ़ी अच्छे हैं। तो ऐसे वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे यहाँ पर हजीक ऐमान, इनको लेके जाना है। अजैब खान हमारे लिए एज अ प्लेयर के साथ कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप की चॉइस रहेंगी। 51 किए थे लास्ट मैच के अंदर और इनके पहले यहाँ पर 3 ओवर्स की गेंदबाजी करते हुए 2 विकेट निकाले थे। पहले मैच के अंदर कुछ खास नहीं किया था लेकिन फिर भी यहाँ पर 19 रन तो किए ही थे। अहमद फैज वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, टीम के कप्तान है और ये ना मैंने आपको पहले भी बताया हुआ वीडियो के अंदर शायद, ये मलेशिया T20 जो इंटरनेशनल T20 टीम है ना उसके भी कप्तान है। तो अहमद फैज वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, 16-30-13 जैसे स्कोर किए हुए, 16 मैच के अंदर करीबन 29 की वजह से 347 रन है, प्लेयर जबरदस्त है। ऐसे डेफिनेटली आप लोग यहाँ से अहमद फैज को लेके जा सकते हैं। इनके अलावा ऐसे अहमद अकमल अलीफ बिन जैनल की बात करते हो, लास्ट मैच के अंदर 2 विकेट निकाला। अभी जिन भाइयों ने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा ना, वहाँ पर आपने देखा होगा कि मैंने इस प्लेयर को स्पेशली मेंशन किया था, अहमद अकबल अलीफ बिन जैनल को स्पेशली वहाँ पर मैंने सजेस्ट किया था कि इस प्लेयर के ऊपर जरूर ध्यान रखना। मैंने टेलीग्राम में भी स्पेशली बताया था कि इस प्लेयर के ऊपर जरूर ध्यान रखना और ऐसा ही कुछ हुआ, क्योंकि ये जब भी ओवर्स करवाता है तब विकेट जरूर निकालता है, मैंने आपको पहले भी बताया था वीडियो के अंदर बताया था। तो इसीलिए हम लोग यहाँ से इनके साथ कंटिन्यू करेंगे अभी अहमद अकबल अलीफ बिन जैनल की। ये देखो ये 4 ओवर्स पूरी करवाएगा, लास्ट मैच की बात करो तो इन्होंने ज़्यादा ओवर्स करवाई नहीं है इस टीम ने, तो इसके लिए इन्होंने 2 ही ओवर्स करवाई, लेकिन अभी ओवर्स करवाएगा तो ऐसे 4 ओवर्स पूरी करवाएगा। और रिसेंटली अच्छे फॉर्म में हमने पिछली 1-2 टूर्नामेंट से हमें उनको देखा है, जहाँ पर कंटिन्यूसली यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट है। या से बात करें आरिफ यूसुफ की, तो आरिफ यूसुफ ओके रहेंगे। इनके अलावा ऐसे बात करें फितरी शाम वेरी इंपॉर्टेंट पिक, इवन इस बंदे के ऊपर भी आप लोग कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप का रिस्क ले सकते हो। फिरदौस अशरी थोड़े से नीचे के लिए, ओवर्स करवाए नहीं अभी के लिए, लेके जाना थोड़ा सा रिस्की है, तो आप लोग चाहो तो इनको ग्रैंड लीग वगैरह में ट्राई कर सकते हो। बाकी सैयद एजत इद्रुस वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। मोहद्दीन की बात करो तो मोहद्दीन ठीक ठाक है, ऐसे इतने कुछ खास और इतना बड़ा रिस्क लेने की जरूरत भी नहीं है। बाकी ऐसे मोहम्मद फायक हैकल की बात करो तो ठीक ठाक है यहाँ पर। एफ इस्कंदर की बात करो तो लास्ट मैच के अंदर बैटिंग नहीं आई और परफॉर्मेंस करने का मौका भी इनमें नहीं मिला। देखो सुबह में खेलेंगे तो इनके जो ओवरऑल रिकॉर्ड जो भी रहेंगे ना वो मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करवा दूंगा, ताकि आपको भी आसानी रहेगी चेंजेस वगैरह करने की। तो टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाएगा, क्योंकि फाइनल अपडेट और टीम वगैरह आपको वहीं पर दी जाएगी।
बात करें जैसे स्टार्टिंग वॉर्स की, तो सैयद एजद इदरुस और जैसे अहमद अकबर अली बिन जैनल ने स्टार्ट करवाया था। देखो ये वॉर्स पूरी करवाएगा ना तो यहाँ से डेथ में भी आएगा। यहाँ से अभी तक इन्होंने 3 मैच खेले जहाँ पर अभी तक एक भी बार इन्होंने डेथ वॉर्स में गेंदबाजी नहीं की है, तो इसके लिए मैंने डेथ वॉर्स मेंशन किया भी नहीं है। बाकी बेंच की बात करूँ तो बेंच से कोई भी प्लेयर खेलेगा तो इनके स्टैट्स और उनके अपडेट वगैरह टेलीग्राम में मिलेंगे। जल्दी से जाना है आपको, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। अभी के लिए देख लेते हैं हम लोग यहाँ से नॉर्थन स्ट्राइकर्स की बात करते हैं। 3 मैच खेले, 2 मैच जीती है, 1 मैच हारी है। ओपनिंग में कौन है? तो वीरनदीप सिंह और यहाँ पर मोहम्मद आमिर अजीम दोनों ओपनिंग करवा रहे हैं। देखो वीरनदीप सिंह तो यहाँ से सीधे हमारे कप्तान की चॉइस रहेंगे, इनको मैं वाइस कप्तान भी नहीं करूँगा, ये मेरे कप्तान ही रहेंगे। और तो इसके लिए मैं ज़्यादा कुछ बात नहीं करेंगे बारे में, सीधा इनको लेके कप्तान करना है। मोहम्मद आमिर अजीम बात करो तो 3717 जैसे दो अच्छे स्कोर किए, इससे भरोसा कर सकते हो। अभी देखो दो ऑप्शन आपके पास होने वाले हैं, इस टीम से यहाँ से मोहम्मद आमिर अजीम है, और सामने वाली टीम की बात करो तो हमारे पास है यहाँ पर मोहम्मद हजीक ऐमान। दोनों का ही लगभग परफॉर्मेंस सेम है, तो ऐसे इन दोनों को लेके जाएंगे या तो फिर ऐसे दोनों में से किसी एक को ट्राई करेंगे। बाकी अच्छा प्लेयर है, भरोसा पूरा कर सकते हैं। विजय उन्नी की बात करो तो जिस तरह से इस टूर्नामेंट के अंदर परफॉर्मेंस है, इस बंदे के ऊपर आप लोग वाइस कैप्टनशिप का रिस्क ले सकते हो। और वैसे भी देखो बहुत सारी पब्लिक उनको वाइस कैप्टन करेगी, तो आप लोग यहाँ से सेफ ही सेफ रहेगा। कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप का ये जो कॉम्बिनेशन है यहाँ पर, कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप, ये सेफ रहेगा स्मॉल लीग के ग्रैंड लीग के लिए दोनों के लिए। असलम खान मलिक आज की मैच के यानी कि कल की मैच के हमारे पंट प्लेयर थे, जहाँ पर 27 रन किए उन्होंने और काफ़ी अच्छा एडवांटेज दिया हमने। ये सारी मैचेस जो हमारी मलेशिया की रही थी वो दोनों ही मैच हमने वन साइडेड विनिंग की थी, और एक बार फिर से भी यही उम्मीद के साथ हम लोग कल सुबह में वापस खेलेंगे। विकेट कीपिंग सेक्शन से ऐसे वान मोहम्मद है, जो कि इनको तो मैं सजेस्ट नहीं करता क्योंकि इनका बैटिंग ऑर्डर कभी फिक्स नहीं रहता है, ज़्यादातर ये 8वें 9वें नंबर पर ही खेलने के लिए आते हैं, तो इसके लिए इनको लेके जाना रिस्की है। बाकी रहीम खान मलिक वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, डेफिनेटली लेके जाना है, लास्ट मैच के अंदर विकेट लेस रहे लेकिन इनको मैं लेके जाऊंगा। अब्दुल राशिद अहद डिफरेंशियल में ट्राई कर सकते हो, ओवरऑल 7 मैच के अंदर 6 विकेट 12 ओवर्स की गेंदबाजी करते हुए भरोसा पूरा कर सकते हो। देखो ऐसे मोहम्मद अफीक के बारे में भी मैंने स्पेशली बताया था कि ओवर्स करेगा तो विकेट्स पक्का निकालेगा, क्योंकि ओवरऑल उनके बॉलिंग से काफ़ी अच्छे आंकड़े हैं लेकिन कंटिन्यूसली ओवर्स करवाई नहीं। लास्ट मैच के अंदर सिर्फ 2 ओवर्स करवाई, वहाँ पर भी बंदे ने 1 विकेट निकाल ली, तो ऐसे भरोसा कर सकते हैं। मोहम्मद खैरुल्ला ओके ओके रहेंगे। बाकी बात करें ऐसे मोहम्मद नूर फखरुल अब्दुल रहीम, काफ़ी लंबा नाम है, इनको भी लेके जाने का कोई मतलब नहीं बनता। इब्राहिम जैदी भी यहाँ पर विकेट कीपिंग सेक्शन से दिखेंगे, तो ये भी ठीक ठाक प्लेयर है। स्टार्टिंग ओवर्स में यहाँ पर रहीम खान मलिक और यहाँ पर वीरनदीप सिंह, डेथ ओवर्स में ऐसे विजय उन्नी और ऐसे मोहम्मद अफीक डेथ में आए थे, ध्यान रखना इनके ऊपर। बाकी बेंच से कोई भी प्लेयर खेलेगा तो इनके स्टैट्स और उनके अपडेट वगैरह टेलीग्राम में मिलेंगे। लास्ट मैच के अंदर आमिर खान मलिक और रिजवान हैदर नहीं खेलेंगे, नहीं खेले थे, शायद अगली मैच के अंदर कंटिन्यू करवा सकते हैं, यानी कि खेलते हुए नजर आ सकते हैं। इनके अलावा ऐसे देवेंद्र मोगन अगर खेलते तो ये डेफिनेटली काफी अच्छा प्लेयर है, भरोसा कर सकते हैं, डेफिनेटली आप लोग लेके जा सकते हैं। अभी के लिए देख लेते हैं हमारी फैंटासी टीम कौन सी रह सकती है, कौन से प्लेयर को लेके जाना है, कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे ड्रॉप कर सकते हैं। तो बात करें पर विकेट कीपिंग सेक्शन की, तो दोनों को लेके जाएंगे यहां पर वीरनदीप सिंह और यहां से अहमद फैज, दोनों को लेके जाएंगे। इनके अलावा बैटिंग सेक्शन की बात करो तो ऐसे मोहम्मद आमिर अजीम है, इनके अलावा ऐसे असलम खान मलिक है और ऐसे मोहम्मद हजीक ऐमान, इन तीनों को मैंने लिया हुआ है। बाकी आप लोग यहां से क्या बोलते हैं ना, यहाँ से ड्रॉप करना चाहो तो ऐसे हजीक ऐमान को ड्रॉप कर सकते हो या फिर असलम खान मलिक को, दोनों में से किसी एक को ड्रॉप कर सकते हो। और बात करें ऑलराउंडर सेक्शन की, तो ऐसे अजैब खान और इनके साथ यहाँ से अब्दुल, क्या नाम है इनका, बहुत लंबा नाम है, अहमद अकमल अली बिन जैनल को मैंने लिया है। यहाँ से अफीक को भी हम लोग ले सकते हैं, लास्ट मैच के अंदर डेथ ओवर्स में आया था गेंदबाजी के लिए, तो इनको भी ट्राई कर सकते हैं। बॉलिंग सेक्शन की बात करते हैं ऐसे फितरी शाह है, इनके अलावा ऐसे सैयद एजद इदरुस है, यहाँ से रहीम खान मलिक और विजय उन्नी हमारी टीम के अंदर रहेंगे। यहाँ पर अदर चॉइस की बात करूँ तो और कोई खास ऑप्शन है नहीं, अगर यहाँ से रिजवान अदर के लिए तो हमें लेके जाना पड़ेगा। टीम की बात करूँ तो टीम कुछ इस तरह से रहेगी कि वीरनदीप सिंह हमारे कप्तान रहेंगे, वाइस कैप्टन रहेंगे ऐसे विजय उन्नी, जो कि मैंने ऑलरेडी वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिया था। अदर चॉइस की बात करते ऐसे अजैब खान है और अहमद फैज़ है, और इनके वाला बॉलिंग सेक्शन से ये दोनों हैं, तो इन दोनों प्लेयर, इन कुछ प्लेयर हैं जिनको आप लोग ट्राई कर सकते हो। बाकी मेरी टीम कुछ इस तरह से ही रहेगी, याद रहे ये जो टीम है ये डेमो है। फाइनल टीम आपको कहाँ पर मिलेगी, तो फाइनल टीम आपको मिलने वाली है टेलीग्राम में फाइनल लाइनअप के बाद, तो टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, इनकेस लिंक वर्क नहीं करता तो टेलीग्राम में जाइए, सर्च करिए फैंटासी डिसीजन चैलेंजर, या फिर आप सर्च करिए @FDC27 और आपको सीधा हमारा चैनल मिल जाएगा, तो सिंपली आपको उसे ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि फाइनल अपडेट और फाइनल टीम आपको वहीं पर दी जाएगी। यहाँ अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आगे आने वाली और अच्छे मैचेस की वीडियो आपको यहीं पर मिलने वाली है। तो यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, टेलीग्राम से आपको जुड़ जाना है। बाकी आपको करना क्या है, आपको करना कुछ नहीं, आपको अच्छे से वीडियो को देखना है, अच्छे
अच्छे से एनालिसिस करो, सारे प्लेयर्स के बारे में मैंने बताया हुआ है, तो आप लोग अच्छे से स्टडी करो, अच्छे से अपनी खुद की टीम बना के अच्छी सी विनिंग करते रहो। हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।